जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका हमारी चैनल जिसका नाम है गवर्नमेंट एग्जाम्स फंडा CDS 2 2020 के लिए। आज करंट अफेयर्स की लास्ट वीडियो रहेगी जिसमें क्विक रिवीजन करेंगे करंट अफेयर्स की, जो कि आपके CDS 2 2020 के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ यही वीडियोज़ करनी है जो मैंने पहले वीडियोज़ अपलोड की हैं। जितनी भी वीडियोज़ CDS 2 2020 के करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट में है वो आपको करनी होंगी CDS 2 2020 के लिए। ये रहेगी लास्ट टाइम के लिए क्विक रिवीजन करंट अफेयर्स की सीरीज। तो चलिए बिना देर के करते हैं शुरू। इसके अलावा स्पेशल डिस्काउंट ऑफर चल रहा है करंट अफेयर्स पर, मॉक टेस्ट पर, नोट्स पर। किसी को अवेल करना हो तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके अवेल कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं, विच स्टेट हैव लॉन्च्ड रोजगार सेतु स्कीम फॉर स्किल्ड वर्कर्स। तो देखिए, COVID-19 के चलते जो है हमारे जितने भी वर्कर्स अपने प्रदेश जो है वापिस गए, घरों में वापिस गए, उनको दिक्कत थी। किस चीज़ की दिक्कत? कि दोबारा से उन्हें रोजगार मिलेगा या नहीं। इसके लिए अलग अलग स्टेट्स ने जो है अलग अलग स्टेप्स जो है उठाए। उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट जो स्कीम है वो है रोजगार सेतु स्कीम। किसके लिए थी पता होनी चाहिए, किन के लिए? स्किल्ड वर्कर्स के लिए। ऑप्शन में कई बार इस तरह की चीज़ें आ सकती है कि रोजगार सेतु स्कीम किसके लिए थी, वहाँ पे आ सकता है वेंडर्स के लिए, स्किल्ड वर्कर्स के लिए, अनस्किल्ड वर्कर्स के लिए। तो आपने याद रखना है रोजगार सेतु स्कीम जो है स्किल्ड वर्कर्स के लिए थी। और किस स्टेट ने लॉन्च की? तो ये लॉन्च की हमारी किसने? मध्य प्रदेश ने। रिसेंटली मिसाइल पार्क अग्निप्रस्थ वॉज सेटअप एट विच INS? तो देखिए, INS जो हमारा मिसाइल पार्क है, कहाँ पर? जिसका नाम है अग्निप्रस्थ। कहाँ पर एस्टेब्लिश हुआ? तो वो एस्टेब्लिश हुआ है INS कलिंग में। इम्पॉर्टेंट है, आपका होमवर्क ये है, आपने मुझे ये बताना है कि INS कलिंग जो है ये कौन सी स्टेट में है, कौन सी स्टेट में है, ये आपका होमवर्क है, मुझे बताना है। ये मिसाइल पार्क जो अग्निप्रस्थ है ना, जितनों ने भी ये INS एस्टेब्लिश करने के लिए अपना बलिदान दिया है, योगदान दिया है, उनको डेडिकेट किया जाएगा ये मिसाइल पार्क। इम्पॉर्टेंट है, चलिए चलते हैं आगे। हुज टेन्योर हैज़ बीन एक्सटेंडेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ स्पोर्ट्स? तो देखिए, संदीप प्रधान जी जो है हमारे डायरेक्टर जनरल ऑफ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इनका टेन्योर जो है अब बढ़ा दिया गया है। इम्पॉर्टेंट चीज़ है, डायरेक्टली आपको पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं, कौन सी कंट्री इस आइडिया के साथ आई है? वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। तो देखिए, ये आइडिया है नरेंद्र मोदी जी का। उनका ये मानना है कि होता क्या है कि जो हमारा वन सन का यहाँ पे क्या मतलब है, यानी कि सूर्य हमारा एक ही है, एक टाइम पर कुछ कंट्रीज़ में दिन होता है, कुछ कंट्रीज़ में रात होती है, तो क्यों ना हम सभी लोग जो है उस सूर्य की रोशनी को स्टोर करें और उसको रात में भी यूज़ करना स्टार्ट कर दें, यानी कि एक रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को कंजर्व करना और उसी को यूज़ करना, यही इसका मेन मोटिव है। आंसर होगा इंडिया। चलिए चलते हैं आगे। आगे देखते हैं, रिसेंटली विच कंट्री जॉइंड G7 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रुप? तो देखिए, G7 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रुप को ज्वाइन करने से लगातार पहले US और ट्रंप की सरकार जो है मना करती रही, इसका खंडन करती रही, लेकिन रिसेंटली जो है अमेरिका ने, USA ने G7 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रुप को जो है ज्वाइन कर लिया है। इम्पॉर्टेंट चीज़ है, न्यूज़ में रहा, स्टार मार्क कर लीजिए। आगे देखते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है, आपको पता है आजकल चर्चा का विषय रहता ही रहता है, क्योंकि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वही हमारी इकोनॉमीज को बहुत ज़्यादा पुश देती है। अब कौन सी कंट्री जो है जो लगातार दूसरे साल जो है लगातार दूसरे फाइनेंशियल ईयर में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के मामले में जो इंडिया में आई है उसमें सबसे ऊपर रहा है, उस कंट्री का हमें नाम बताना है। उस कंट्री का नाम है सिंगापुर। इम्पॉर्टेंट है, सिंगापुर पिछले दो फाइनेंशियल ईयर से सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है इंडिया में। चलिए चलते हैं आगे। Recently, which scheme was announced by the center to benefit small business and cottage industries? तो देखिए, जो हमारे छोटे छोटे बिजनेस हैं,
और जो घरों में कॉटेज इंडस्ट्रीज चलती हैं उनको मदद करने के लिए। देखिए, आपको पता है इकोनॉमिक पैकेज की जो है घोषणा हुई थी, जब से ये कोविड आया है उसमें बहुत सारी स्कीम्स थी, बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन हम इम्पॉर्टेंट कवर करेंगे। अब देखिए, एक स्कीम जो है अनाउंस की सेंटर ने, सेंटर गवर्नमेंट ने, नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट ने, क्या नाम है उसका? मुद्रा शिशु स्कीम। याद रखना, शिशु यानी कि छोटा बच्चा, उसको भी हम शिशु कहते हैं। तो जो हमारे छोटे छोटे बिजनेस हैं और कॉटेज इंडस्ट्रीज हैं उनके लिए स्कीम है। अब 50,000 तक का लोन इसमें मिल सकता है, 50,000 तक का। इम्पॉर्टेंट है, याद रखना, मुद्रा शिशु के तहत जो है 50,000 तक का लोन जो है मिल सकता है। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, न्यूज़ में रहा है, मुद्रा शिशु लोन आपको डायरेक्टली पूछा जा सकता है। चलिए चलते हैं आगे, आगे देखते हैं। विच स्कीम वॉज लॉन्च बाई द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड अफोर्डेबल लोन्स टू स्ट्रीट वेंडर्स। याद रखना, देखिए, ये जो मुद्रा शिशु लोन था ना, ये था 50,000 तक का, लेकिन स्ट्रीट वेंडर्स के लिए जो लोन की स्कीम आई है स्ट्रीट वेंडर्स के लिए, वो है 10,000 तक की। 10,000 तक का इनको लोन मिल सकता है स्ट्रीट वेंडर्स को। अब कौन सी स्कीम है ये? पीएम स्वनिधि। इसमें SV से जो इसकी फुल फॉर्म है, ये स्ट्रीट वेंडर्स ही है। स्ट्रीट वेंडर्स, स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर बन सके और उन्हें 10,000 तक का लोन जो है मिल सके अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। पीएम स्वनिधि में 10,000 तक का लोन, मुद्रा शिशु में 50,000 तक का लोन। तो चलिए चलते हैं आगे, आगे देखते हैं। अभी अभी जो है एक रैंकिंग आई थी, उसमें इस अकॉर्डिंग जो है रैंक किया गया है कि किस कंट्री में जो है स्टार्टअप का इकोसिस्टम कितना अच्छा है, उसमें इंडिया का रैंक कितना है। देखिए, उसमें इंडिया का रैंक है 23rd। देखा जाता है कि उस कंट्री में जो नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं उनकी क्वालिटी क्या है, वहाँ पे किस तरह का बिजनेस इन्वायरमेंट है, या फिर वहाँ पे क्वालिटी किस तरह की है। जो स्टार्टअप में, अगर जैसे आप कोई चीज़ शुरू करते हैं, तो स्टार्टअप में जो चीज़ें प्रोवाइड करवाई जाती हैं, कोई सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाती हैं, गुड्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं, उनकी क्वालिटी क्या है। तो इसमें इंडिया का रैंक कितना है? 23rd। और ये रैंक जो है पब्लिश किसने किया? ग्लोबल इनोवेशन मैपिंग एंड रिसर्च कंपनी, जिसका नाम है स्टार्टअप ब्लिंक। इम्पॉर्टेंट है, चलिए चलते हैं आगे। इन विच स्टेट कोंडा पोचमा सागर प्रोजेक्ट इनॉग्रेटेड, यानी कि अभी अभी कोंडा पोचमा सागर प्रोजेक्ट जो है किस स्टेट में इनॉग्रेट हुआ? तेलंगाना में डायरेक्टली आपको पूछा जा सकता है। विच हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू प्रोवाइड फ्री इंटरनेट फॉर द पुअर। तो देखिए, केरला ने जो है अभी अभी रिसेंटली जो इंटरनेट है, राइट टू इंटरनेट, इसे एक फंडामेंटल राइट जो है घोषित किया था, बताया था। कौन सी स्टेट ने? केरला ने। और केरला ने ही कहा है कि 2020 के एंड तक जो है वो जो गरीब लोग हैं उनको फ्री इंटरनेट की फैसिलिटी जो है पूरी तरह से प्रोवाइड करेंगे। इम्पॉर्टेंट है, चलिए चलते हैं आगे। तो देखिए, जो हमारे HRD मिनिस्टर हैं डॉक्टर रमेश पोखरियाल जी, और जो हमारे मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के मिनिस्टर हैं हरदीप सिंह पुरी जी, उन्होंने ग्रेजुएट्स के लिए उनको इंटर्नशिप प्रोग्राम जो है मिल सके उसके लिए एक प्रोग्राम लॉन्च किया। अब जो प्रोग्राम जो उन्होंने लॉन्च किया है उसका नाम क्या था, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, उसका नाम है ट्यूलिप। इम्पॉर्टेंट है कौन से हमारे मिनिस्टर ने लॉन्च किया, उस प्रोग्राम का क्या नाम था। और आपको इस तरह से भी पूछा जा सकता है, ट्यूलिप क्या है? तो देखिए, जो हमारे ग्रेजुएट्स हैं उनको जो इंटर्नशिप प्रोवाइड करवाई जाएगी उस प्रोग्राम का नाम है ट्यूलिप। आगे चलते हैं, कौन सी हमारी गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है जिन्होंने स्पंदन कैंपेन चलाया? किस वजह से? क्योंकि वहां पर आत्महत्या के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, वहाँ पे जो पुलिस फोर्सेस हैं उनका भी नेचर ऐसा पाया गया था कि वॉयलेंस वाला नेचर हो गया था, वो आपस में लड़ते झगड़ते भी रहते थे। और उसके अलावा जो है उस स्टेट में काफ़ी ऐसे केसेस भी आए हैं आत्महत्या के, इस वजह से स्पंदन कैंपेन जो है चलाया गया। स्टेट का नाम क्या है? छत्तीसगढ़।
इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपको पूछा जा सकता है। चलिए चलते हैं आगे। वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 किस कंट्री ने होस्ट की? तो देखिए, ये जो होस्ट की, ये की यूके ने। इंपॉर्टेंट है, किस वजह से? आपको पता है हमारी जो वैक्सीन कोविड की है उसको बनाने के लिए चाहिए फंड। तो ये जो समिट हुई थी, ग्लोबल वैक्सीन समिट, इसमें अर्ज किया गया था हर कंट्री को फंडिंग करने के लिए। इंपॉर्टेंट है, ये समिट जो है कहां पर हुई? यूके में। चलिए चलते हैं आगे। आपको पता है 5 जून को जो है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो है सेलिब्रेट किया जाता है। तो गवर्नमेंट ने एक स्कीम जो है लॉन्च की, उसके तहत अगले 5 सालों में हम 200 अर्बन फॉरेस्ट जो है डेवलप करेंगे हमारे भारत देश में। अब ये जो स्कीम लॉन्च की, इसका नाम क्या था? ये इम्पॉर्टेंट है, नाम है नगर वन। आगे चलते हैं। अभी अभी पावर मिनिस्टर आर के सिंह जो है, उन्होंने भी 5 जून को एक कैंपेन शुरू किया था। किस वजह से? इसी वजह से जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है उसकी सही से कंजम्पशन की जा सके, पावर की कंजम्पशन की जा सके, और हम जो है कम से कम नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज जो है उनका यूज़ करें, और बिल्कुल ही ग्रीन चीज़ों का यूज़ करें जिससे कोई पोल्यूशन ना हो। अब ये जो कैंपेन उन्होंने शुरू किया बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, इसका नाम है आई कमिट। यानी कि मैं कमिटमेंट करता हूँ कि मैं जो ग्रीन चीज़ें हैं उनका यूज़ करूँगा, ग्रीन एनर्जी, ग्रीन फ्यूल का यूज़ करूँगा। चलिए चलते हैं आगे। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च इंडियाज फर्स्ट ऑनलाइन वेस्ट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म? तो देखिए, हमारी जो आंध्र प्रदेश है, उन्होंने पहला ऑनलाइन वेस्ट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म जो है प्रोवाइड किया है। आपको पता है इंडस्ट्रीज में बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है, वो वेस्ट जो है नदियों में जाता है, उसकी वजह से पोल्यूशन होता है। अब आंध्र प्रदेश ने ऐसा सिस्टम डेवलप किया है जो 100% ध्यान रखेगा कि जो हमारा वेस्ट है वो कहाँ से आया और वो सही तरह से डिस्पोज ऑफ हुआ या नहीं हुआ। इम्पॉर्टेंट है, ये कारनामा किसने किया है? हमारे आंध्र प्रदेश ने। अब आगे देखते हैं। रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज गुडविल एम्बेसडर फॉर द पुअर बाय यूनाइटेड नेशन? गुडविल एम्बेसडर का चयन किया गया गरीब लोगों के लिए यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। अब कौन है यूनाइटेड नेशन का भी आगे ऑर्गन है, यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट पीस। अब क्वेश्चन क्या बनता है, उन्होंने किसको अपॉइंट किया गुडविल एम्बेसडर फॉर पुअर? तो देखिए, उनका नाम है एम नेत्रा, और ये सिर्फ 13 साल की है, सिर्फ 13 साल की। इम्पॉर्टेंट है, चलिए चलते हैं आगे। आगे देखते हैं, जो हमारे BS6 नॉर्म्स के व्हीकल्स आएंगे आगे, उनके ऊपर कौन से कलर का स्टिकर लगा होगा जो रजिस्ट्रेशन डिटेल्स को दिखाएगा? तो देखिए, उन पर लगा होगा ग्रीन कलर का स्टिकर। BS6 नॉर्म्स के व्हीकल्स आने वाले हैं, और ये पॉलिसी जो है अक्टूबर 2020 से जो है इम्प्लीमेंट हो जाएगी, अक्टूबर 2020। आगे देखते हैं, कौन सी स्टेट ने टॉप किया हमारे फूड सेफ्टी इंडेक्स में? तो देखिए, जो हमारी लार्ज स्टेट्स थी उसमें टॉप किया है गुजरात ने, ओवरऑल टॉप किया है गुजरात ने। अगर पूछा जाए जो हमारी छोटे छोटे राज्य हैं, स्मॉल स्टेट्स हैं, उसमें टॉप किसने किया? तो उसमें टॉप किया गोवा ने। अगर पूछा जाए यूनियन टेरिटरी जो है, केंद्र शासित प्रदेश जो है, उसमें टॉप किसने किया? तो उसमें टॉप किया है चंडीगढ़ ने। इम्पॉर्टेंट है, भूलना मत, फूड सेफ्टी इंडेक्स किस किस ने टॉप किया है? गुजरात ने बड़ी स्टेट्स में टॉप किया है, गोवा ने छोटी, चंडीगढ़ ने यूटी में। तो चलिए चलते हैं आगे। आगे देखते हैं, हु विल हेड द टास्क फोर्स दैट हैज़ बीन सेट अप टू एग्जामिन मैटरनल मोर्टेलिटी रेट? तो देखिए, इंडिया में मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जो है और मदरहुड की जो एज है उसको देखने के लिए, एवेल्युएट करने के लिए कंडीशंस को, एक टास्क फोर्स को एस्टेब्लिश किया गया। अब उसको हेड कौन करेंगे? तो उनको हेड करेंगे जया जेतली जी, जया जेतली जो है वो इनको हेड करेंगे। अब मैटरनल मोर्टेलिटी जो रेट है, रेशो है इंडिया में, वो कितनी है? 113। मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो होती है कि कितनी माताओं का देहांत हो जाता है बच्चे को जन्म देते हुए। तो इंडिया में 113 माताओं का देहांत हो जाता है, जो रिसेंटली रिपोर्ट आई। अब ये जो 113 माताओं का देहांत होता है, ये पर कितने बच्चों, यानी कि कितने बच्चों को जन्म देते हुए ये जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो है इसको काउंट किया जाता है? तो ये काउंट होता है प्रति 1 लाख।
प्रति 1,00,000। यानी कि जब मैं बात करता हूँ मेटर्नल मोर्टेलिटी रेट इंडिया में 113 है, इसका मतलब कि 1,00,000 बच्चों को जन्म देते हुए 113 माताओं का देहांत हो जाता है। इम्पॉर्टेंट है। और किस स्टेट का मेटर्नल मोर्टेलिटी रेट सबसे ज़्यादा है ये पता होना चाहिए। तो देखिए, मेटर्नल मोर्टेलिटी रेट सबसे ज़्यादा है असम का, सबसे कम है केरला का। सबसे ज़्यादा है असम, सबसे कम है केरला। चलिए चलते हैं आगे। अभी अभी जो है गैरसन को आपको पता है समर कैपिटल जो है बना दिया गया, तो वो कौन सी स्टेट की समर कैपिटल बनी है? तो वो बनी है उत्तराखंड की। आगे देखते हैं, वंदे उत्कल जननी को स्टेट एंथम का दर्जा दे दिया कौन सी सरकार ने? तो देखिए, उड़ीसा सरकार ने जो है वंदे उत्कल जननी को क्या दे दिया है, स्टेटस दे दिया है स्टेट एंथम का। आपने मुझे ये बताना है कि वंदे उत्कल जननी किसने लिखा था। इम्पॉर्टेंट है। ये जो स्टेट एंथम है ये उड़ीसा राज्य की ग्लोरी को दर्शाता है, इस वजह से इसे स्टेट एंथम का दर्जा जो है दिया गया। चलिए चलते हैं आगे। एनसीईआरटी ने जो है एमओयू साइन किया था कौन सी कंपनी के साथ, जिसमें जो है 1,00,000 से लेकर, पहली क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक जो है 12th क्लास तक एनसीईआरटी टीवी चैनल्स जो है टेलीकास्ट किए जाएं। तो उन्होंने ये एमओयू किसके साथ साइन किया? इम्पॉर्टेंट है, रोटेटरी इंडिया के साथ। अब आपको पता है जो हमारी स्वयं प्रभा स्कीम थी, स्वयं प्रभा जो हमारा स्वयं प्रभा इनिशिएटिव था ना, उसके तहत एजुकेशनल चैनल्स जो हैं चलाए जाते हैं डायरेक्ट टू होम के द्वारा। जो आपके घर में डीटीएच लगा है, एयरटेल की डिश लगी हो, टाटा स्काई की लगी हो, तो स्वयं प्रभा के तहत जो है उसके तहत एजुकेशनल चैनल्स जो हैं चलाए जाते हैं। तो एनसीईआरटी ने वही किया, एमओयू साइन किया किसके साथ, रोटेटरी इंडिया के साथ, ताकि जो है आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म टीवी पर मिल सके जिसमें 12th क्लास तक के एजुकेशनल चैनल्स और जो चीज़ें हैं सब्जेक्ट्स हैं वो आपको पढ़ाई जाएं। इम्पॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, अभी अभी जो वेलफेयर ऑफ फ्रीडम फाइटर्स के लिए कमेटी का गठन किया गया था, उस कमेटी को हेड कौन करेंगे? हेड करेंगे जी किशन रेड्डी जी। इम्पॉर्टेंट है। चलिए चलते हैं आगे। इसके अलावा ये भी याद रखना, ये जो कमेटी थी इसका गठन किया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने। आपको ये भी पूछा जा सकता है, जो वेलफेयर ऑफ फ्रीडम फाइटर्स के लिए कमेटी है इसका गठन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने किया है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने किया है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल ने किया है? तो इस वजह से याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने। इम्पॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, जो हमारा मध्य प्रदेश है वो इस साल सबसे बड़ा वीट का प्रोड्यूसर बन गया है इंडिया में। और मध्य प्रदेश पहले जो है टॉप पर नहीं रहता था, लेकिन इस बार जो है मध्य प्रदेश टॉप पर है, जिस स्टेट ने सबसे ज़्यादा वीट प्रोड्यूस की है। आगे देखते हैं, आपको पता है असम ऑयल वेल का भी डिज़ास्टर हो गया था, वहाँ पर काफ़ी नुकसान जो हुआ, उस नुकसान को इंक्वायरी करने के लिए कि ये हादसा किस तरह से हुआ और इसको किस तरह से रोका जा सकता था, तो इसके लिए भी एक कमेटी बनाई है। इस कमेटी को हेड कौन करेगा? तो इसको हेड करेंगे SCL दास। इम्पॉर्टेंट है। ये जितनी भी मैंने आपको कमेटीज बताई हैं ये UPSC NDA में पूछेगा ही पूछेगा, इन पर कोई एक क्वेश्चन आ सकता है। और नाम याद रखना, क्वेश्चन डायरेक्टली ही आएंगे, लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। चलिए चलते हैं आगे। आगे देखते हैं, कौन से इंस्टीट्यूट ने जो है टॉप किया है किस में, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में सबसे ऊपर? तो देखिए, इसमें जो सबसे ऊपर रहे हैं वो रहा है IIT मद्रास। IIT मद्रास जो है बेस्ट इंस्टीट्यूट है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है इंडिया में, जो अभी रिसेंटली रैंकिंग्स आई थी। आगे देखते हैं, बाल श्रमिक विद्या योजना, यानी कि जो हमारे बच्चे हैं, लेबर्स के बच्चे होते हैं, उनको पढ़ाया जा सके, उन्हें एजुकेट किया जा सके, उनके लिए स्कीम लॉन्च की थी किसी स्टेट गवर्नमेंट ने। अब मुझे बताना है, हमें बताना है कि वो स्टेट गवर्नमेंट कौन सी है। तो देखिए, वो है कौन सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने ये जो है इस स्कीम के द्वारा जिम्मेवारी ली है, जितने भी लोग काम करते हैं, श्रमिक होते हैं, उनके बच्चों को जो है पढ़ाया जाएगा। इम्पॉर्टेंट है। चलिए चलते हैं आगे। विच सिटी पुलिस हैज लॉन्च स्त्री प्रोग्राम फॉर वुमेन? तो देखिए, सबसे पहले तो आपको इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए।
तो देखिए उसकी फुल फॉर्म क्या है, इसकी फुल फॉर्म है शी ट्रियम्प्स रिस्पेक्ट इक्वालिटी एम्पावरमेंट। विच सिटी पुलिस हैज लॉन्च स्त्री प्रोग्राम फॉर वुमेन। तो देखिए जो हमारी डोमेस्टिक वायलेंस है उसके चलते स्त्री प्रोग्राम लॉन्च किया कौन सी स्टेट की पुलिस ने, हैदराबाद ने। फुल फॉर्म क्या है, शी ट्रियम्प्स थ्रू रिस्पेक्ट इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट। इम्पॉर्टेंट है फुल फॉर्म भी याद रखना और बाकी चीज़ें भी याद रखना कि कौन सी सिटी की पुलिस ने जो है इसे लॉन्च किया। तो ये लॉन्च किया हैदराबाद ने। तो चलिए चलते हैं आगे, आगे देखते हैं जो हमारे प्राइवेट सेक्टर बैंक होते हैं तो आरबीआई उनकी ऑनरशिप को उनके कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर को रिव्यू कर सके उसके लिए एक कमेटी का गठन किया गया। उस कमेटी को हेड कौन करेंगे, हेड करेंगे पी के मोहंती जी। आगे देखते हैं रिसेंटली विच इंडियन प्लेयर। तो देखिए इन पर ये जो इंडियन प्लेयर की बात हो रही है ना तो इन पर डोपिंग के जो है चार्जेस लगे थे लेकिन वो वापिस ले लिए गए हैं क्योंकि उसके लिए कोई भी कंफर्मेशन उन्हें नहीं मिली जो उनके ऊपर चार्जेस लगे थे। तो के संजीता चानू जी जो है उन पर जो डोपिंग के चार्जेस लगे थे उन्हें वापिस ले लिया गया है। आपने मुझे ये बताना है इनकी वेट कैटेगरी कौन सी है। चलिए चलते हैं आगे, आगे देखते हैं मनरेगा के तहत जो है सबसे ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने वाला कौन सा राज्य बन गया है। तो देखिए उत्तर प्रदेश ने सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार दिया है मनरेगा के तहत। आगे देखते हैं वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में इंडिया का रैंक कितना है। तो देखिए इंडिया का रैंक है 43rd। अब इंडिया जो है इतनी पीछे इसी वजह से है क्योंकि अभी भी इंडिया की सेम प्रॉब्लम्स हैं, एजुकेशन की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है यहाँ पर, इंफ्रास्ट्रक्चर उतना डेवलप नहीं है, इसकी वजह से वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में इंडिया का रैंक है 43rd। तो चलिए चलते हैं आगे, विच कंट्रीज वर इलेक्टेड एज अ नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल फॉर अ 2 ईयर टर्म। तो देखिए अभी अभी जो है इंडिया को आपको पता है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर जो है चुन लिया गया है। 5 परमानेंट मेंबर होते हैं, 5 जो है परमानेंट मेंबर होते हैं सिक्योरिटी काउंसिल में और 10 होते हैं नॉन परमानेंट मेंबर। इंडिया जो है नॉन परमानेंट मेंबर चुन लिया गया। अब इंडिया के साथ कुछ और कंट्रीज को भी चुना गया, कौन कौन सी, इंडिया नॉर्वे आयरलैंड, यानी कि इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, इनको जो है अभी अभी नॉन परमानेंट मेंबर चुना गया है। टोटल मेंबर याद रखना सिक्योरिटी काउंसिल के होते हैं 15, जिनमें से 5 होते हैं परमानेंट मेंबर और नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं 10। चलिए चलते हैं आगे, कौन सी कंपनी जो है रिसेंटली ऐसी कंपनी पहली बन गई है भारत की जिसकी मार्केट वैल्यू जो है 11 लाख करोड़ है। तो देखिए इसका आंसर है रिलायंस। रिलायंस इंडिया की पहली कंपनी बन गई है जिसकी मार्केट वैल्यू है 11 लाख करोड़। अब अभी अभी कुशीनगर एयरपोर्ट को जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा मिला। क्वेश्चन ये है कि ये एयरपोर्ट किस स्टेट में है, तो ये स्टेट है उत्तर प्रदेश। विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च बिहेवियर चेंज कैंपेन नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल। तो देखिए नीति आयोग ने ये जो है ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, नीति आयोग, जिसने ये कैंपेन शुरू किया। क्या है न्यू नॉर्मल का क्या मतलब है, जैसे कि मास्क पहनना, सैनिटाइजर्स का यूज़ करना, सोशल डिस्टेंसिंग रखना, यानी कि ये क्या हो गया है, हमारा न्यू नॉर्मल है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना किसने ये कैंपेन लॉन्च किया, ये लॉन्च किया नीति आयोग ने। आगे देखते हैं ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो है कौन सी ऐसी सिटी है जो सबसे बढ़िया एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करती है स्टार्टअप्स के लिए। तो देखिए वो है कैलिफोर्निया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। विच कंट्री रिप्लेस्ड इंडिया इन लेटेस्ट ICC टेस्ट रैंकिंग। इंडिया काफ़ी देर से ICC टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 पे था लेकिन अब ICC टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 पे है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया इंपॉर्टेंट है, चलिए चलते हैं आगे। अभी अभी रिसेंटली जो है पीटर एब्डन ने अनाउंसमेंट कर दी थी रिटायरमेंट की, तो वो कौन से खेल से आते हैं, सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
पीटर एब्डन का संबंध जो है वो है स्नूकर के साथ। इम्पॉर्टेंट है, इंडियन नेवी ने अभी अभी कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया था? आपको पता है कोविड 19 जब से इसका आउटब्रेक हुआ है तो काफ़ी हमारे सिटीजन्स जो है बाहर फंसे हुए थे, तो इंडियन नेवी ने उनके लिए जो ऑपरेशन लॉन्च किया उसका नाम है समुद्र सेतु। इम्पॉर्टेंट है, कौन सी कंट्री ऐसी है जिन्होंने अपनी नेशनल करेंसी रियाल से तुमान में चेंज कर दी है? तो देखिए इसका आंसर है ईरान। इम्पॉर्टेंट है याद रखना, ईरान की पहले करेंसी होती थी रियाल, अब उन्होंने पार्लियामेंट में बिल जो है पास कर दिया था और उनकी करेंसी होगी कौन सी? तुमान। तुमान डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ईरान की करेंसी क्या है। चलिए चलते हैं आगे। व्हाट इज रैंक ऑफ इंडिया ऑन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स? तो देखिए जो इंडिया का रैंक है इसमें वो है 74th। इसमें देखा जाता है एनर्जी कितनी क्लीन है, उसकी क्या कॉस्ट है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके बाद रैंकिंग होती है। इंडिया का रैंक इसमें है 74th। आगे देखते हैं, एलजी पॉलीमर प्लांट में आपको पता है बहुत ज़्यादा गैस लीक हो गई थी, इसकी वजह से 12 लोगों की जान चली गई थी। अब इंक्वायरी बिठाई गई कि ये जो इंसिडेंट हुआ इसको किस तरह से रोका जा सकता था या इसमें किसकी गलती थी, और इस कमेटी को जो हेड किया वो किसने किया? नीरज कुमार प्रसाद जी ने। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है नीरज कुमार प्रसाद जी। आगे देखते हैं, कौन सी स्टेट ने जो है दर्जा दे दिया है स्पोर्ट्स को इंडस्ट्री का? देखिए स्पोर्ट्स को अगर इंडस्ट्री का दर्जा दे देते हैं ना तो इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा आती है, बहुत सारे लोग जो है उसमें इन्वेस्ट करेंगे। स्पोर्ट्स में अगर इन्वेस्ट करेंगे तो नए नए खिलाड़ी जो है अच्छे उभर के आएंगे। तो ये जो कारनामा किया है स्टेट ने अप्रूव किया है, ये कौन सी स्टेट है? ये स्टेट है मिजोरम। चलिए चलते हैं आगे। रिसेंटली 2021 वर्ल्ड गेम्स वर पोस्टपोन। तो देखिए वर्ल्ड गेम्स पहले ना 2021 में होने वाले थे, कहाँ पर? बर्मिंगम में, लेकिन उन्हें पोस्टपोन कर दिया गया। पोस्टपोन कब तक? 2022 तक। क्यों? क्योंकि 2020 में होने थे टोक्यो के ओलंपिक्स, अब इस साल तो ओलंपिक्स हो नहीं सकते, ओलंपिक्स चले गए 2021 में, जिसकी वजह से डेट्स जो है क्लैश ना करें, वर्ल्ड गेम्स को पोस्टपोन कर दिया गया 2022 में। तो वर्ल्ड गेम्स 2022 में कहाँ होंगे या 2021 में कहाँ होने वाले थे? तो ये होने वाले थे बर्मिंगम में। कैक की अभी अभी रिपोर्ट आई थी, उसके अकॉर्डिंग हमें ये बताना है कि कौन सी स्टेट में पर्यावरण के रिलेटेड सबसे ज़्यादा क्राइम होते हैं, तो वो होते हैं राजस्थान में। स्टार मार्क कर लीजिए, डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है। मोहम्मद शरीफ ने अभी अभी अनाउंसमेंट जो है घोषित कर दी, उनका संबंध किस खेल के साथ है? उनका संबंध है क्रिकेट के साथ। ICC ऑफिशियली पोस्टपोन वर्ल्ड T20 ड्यू टू कोविड पेंडेमिक। अब देखिए ICC ने ना ऑफिशियली पोस्टपोन कर दिया। अब हुआ क्या है, पिछले कुछ महीनों में स्पोर्ट्स के इवेंट्स तो नहीं हुए लेकिन स्पोर्ट्स पर क्वेश्चन आते हैं, तो इस बार सबसे इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ें रहेंगी? आपको ये पता होना चाहिए कि वो जो स्पोर्ट्स के इवेंट्स थे वो होने कहाँ पर थे, वो भी इम्पॉर्टेंट वाले। जैसे ICC का T20 वर्ल्ड कप आपको पूछा जा सकता है कहाँ पर होने वाला था या कहाँ पर होगा, तो देखिए ये होगा ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में इम्पॉर्टेंट है याद रखना। दूसरी चीज़ जो मैं आपको बता दूँ, अगर पूछा जाए ICC का वुमेन वर्ल्ड कप कहाँ पर होगा, वुमेन वर्ल्ड कप, तो देखिए वो होगा 2021 में न्यूजीलैंड में, और वर्ल्ड T20 होगा ऑस्ट्रेलिया में। अगर पूछा जाए ICC मेन 2023 वर्ल्ड कप कहाँ पर होगा, तो वो होगा हमारा इंडिया में। इम्पॉर्टेंट है याद रखना, इस पर वेन्यू जो है आपको पता होने ही चाहिए। आगे देखते हैं, IPL जो है हर साल इंडिया में होता है, अभी भी होना था ये अप्रैल के महीने में, मई में इसका फाइनल था, लेकिन कोविड की वजह से जो है रीशेड्यूल करना हुआ। अब IPL होगा सितंबर में, 19 सितंबर को शुरू हो रहा है, तो इंडिया के बाहर जो है कंडक्ट करवाया जाएगा IPL। आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस बार IPL जो है कहां पर होगा, किस देश में होगा, तो देखिए ये होगा UAE में। इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए फीफा वर्ल्ड कप 2020 ने शेड्यूल जो है अनाउंस कर दिया है। आपको क्वेश्चन यहां पर क्या बन सकता है कि फीफा का ये जो वर्ल्ड कप है पहली बार कहां पर हो रहा है? कतर में। कतर 2022 का फीफा वर्ल्ड कप होगा कतर में। उन्होंने अपना शेड्यूल अनाउंस किया था कि किस डेट को शुरू होगा, किस डेट को खत्म होगा।
इस वजह से फीफा वर्ल्ड कप 2022 जो है न्यूज में रहा। आपको पूछा जाएगा इसका वेन्यू, वेन्यू है कतर। तो चलिए चलते हैं आगे। वाल्टेरी बॉटेस विंस F1 ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स। तो देखिए ये जो फॉर्मूला वन के ग्रैंड प्रिक्स है ना, बहुत ज्यादा जो है आजकल टाइम जो चल रहा है वो चल रहा है लुइस हैमिल्टन का, तो सबसे ज्यादा लुइस हैमिल्टन जीतते हैं। लेकिन जो ग्रैंड प्रिक्स लुइस हैमिल्टन नहीं जीतते वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स अभी अभी जीती है वाल्टेरी बॉटेस ने फॉर्मूला वन की। इंपॉर्टेंट है याद रखना, इसमें भी पेनल्टी लग गई थी लुइस हैमिल्टन को, इस वजह से वो जीत नहीं पाए थे। लेकिन लुइस हैमिल्टन जीते हैं सबसे ज्यादा, ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स जीती है वाल्टेरी बॉटेस ने। तो चलिए चलते हैं आगे। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी पोस्टपोन डाकर 2022 यूथ ओलंपिक गेम्स टू 2026। कोविड की वजह से जो है हमारे डाकर 2022 यूथ ओलंपिक गेम्स जो है वो सीधा पोस्टपोन हो गए 2026 में। अब दो क्वेश्चन बन सकते हैं, पहला यूथ ओलंपिक गेम्स जो है कहां पर होने वाले थे 2022 में, या कहां पर होंगे 2026 में, तो कहां पर होंगे, डाकर में। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है सीधा का सीधा कि ये जो डाकर है ये कहां पर है, तो देखिए ये है सेनेगल, हमारा देश है, उसकी कैपिटल है डाकर, वहां पर होने थे यूथ ओलंपिक गेम्स। अफ्रीका का कंट्री है सेनेगल, इंपॉर्टेंट है, या तो आपकी इसको इसकी जो है कैपिटल पूछी जा सकती है, या पूछा जा सकता है यूथ ओलंपिक गेम्स कहां पर होने वाले थे। तो चलिए चलते हैं आगे। हरियाणा टू होस्ट 2021 खेलो इंडिया यूथ गेम्स। इंपॉर्टेंट है खेलो इंडिया यूथ गेम्स अभी अभी 2018 में ही शुरू हुई थी, तो हरियाणा जो है अभी एग्जैक्ट शेड्यूल नहीं आया है, लेकिन उन्होंने बता दिया है कि नेक्स्ट ईयर जब टोक्यो ओलंपिक्स हो जाएंगी ना, तो उसके जस्ट आफ्टर जो है खेलो इंडिया यूथ गेम्स होंगी इंडिया में। कहाँ पर, हरियाणा में, इंपॉर्टेंट है याद रखना। आगे देखते हैं, राहुल द्रविड़ बीट सचिन तेंदुलकर। देखिए विश्वजन ने ना ऑनलाइन एक पोल करवाया था कि आज तक का इंडिया का सबसे महानतम बल्लेबाज टेस्ट क्रिकेट में कौन हुए हैं, तो वो कौन थे, राहुल द्रविड़। उन्होंने ये पोल जीत ली थी। विश्वजन कोई भी पोल करवाता है क्रिकेट के रिलेटेड तो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, पूछा जा सकता है। राहुल द्रविड़ जो है सबसे महानतम हमारे टेस्ट बैट्समैन रहे हैं, ऐसा इस पोल के जो दौरान है सामने आया है। पहले पे रहे राहुल द्रविड़, दूसरे पे सचिन तेंदुलकर, तीसरे पे सुनील गावस्कर, और जो फोर्थ पोजीशन पर थे वो थे विराट कोहली। इंपॉर्टेंट है राहुल द्रविड़। तो चलिए चलते हैं आगे। अब देखिए ये भी वेन्यू आपका इंपॉर्टेंट हो गया, फीफा का वुमेन वर्ल्ड कप कहां पर होगा। देखिए ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों ने जो है इसकी बिडिंग जीत ली है और दोनों ही होस्ट करेंगे। अब इस तरह के क्वेश्चन अगर यूपीएससी ने ट्रिक करना हो ना, तो पता कैसे पूछेंगे कि 2023 का फीफा वुमेन वर्ल्ड कप कहां पर होगा। एक ऑप्शन होगी ऑस्ट्रेलिया, दूसरी होगी न्यूजीलैंड, तीसरी होगी न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया, और चौथी होगी नन ऑफ द अबव। तो याद रखना फीफा वुमेन वर्ल्ड कप जो है दोनों ही होस्ट करेंगे, ऑस्ट्रेलिया भी न्यूजीलैंड भी। आगे देखते हैं, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने कहा है कि खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए जाएंगे, यानी कि हर एक स्टेट में, हर एक यूनियन टेरिटरी में कम से कम एक ऐसा सेंटर होगा जो कि खेलो इंडिया एस्टेब्लिश करेगी, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है डेवलप किया जा सके, प्लेयर्स को एक एनवायरनमेंट जो है मिल सके जिसमें वो और ज़्यादा प्रोग्रेस कर सके। अब इम्पॉर्टेंट क्या है, इसकी पहली लेग में ना सिर्फ 8 स्टेट्स ऐसी हैं जिसमें ये एस्टेब्लिश किया जा रहा है, क्या, खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। और ये 8 स्टेट्स जो हैं ज़रूर याद रखना, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इनमें से कौन सी ऐसी स्टेट है जिसके तहत पहली लेग में खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा, या ये पूछा जा सकता है ऑप्शन देके, 4 ऑप्शन देके कि इनमें से कौन सा ऐसी स्टेट है जहां पर अभी खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस डेवलप नहीं किया जा रहा। इंपॉर्टेंट है याद रखना, आपको 8 की 8 स्टेट्स के बारे में पता होना चाहिए, कौन सी है, कर्नाटका, उड़ीसा, केरला, तेलंगाना, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड। तो चलिए चलते हैं आगे। संजीता चानू, आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संजीता चानू जो है इनका किस खेल के साथ संबंध है, तो इनका वेट लिफ्टिंग के साथ संबंध है। हुआ क्या था, इन पर डोपिंग के चार्जेस थे, 2.5 साल 2018 से इन्होंने फाइट किया है
और इंटरनेशनल रेसलिंग फेडरेशन ने ये चार्जेस जो है इनसे वापस ले लिए हैं और अब इन्हें मिलेगा अर्जुना अवार्ड जो इनका ड्यू था 2018 में। 2.5 साल इन्होंने जो है इसके लिए संघर्ष किया है डोपिंग चार्जेस से मुक्त होने के लिए। अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है, संजीता चानू किस खेल से संबंधित है? वेट लिफ्टिंग इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज, संजीता चानू की वेट कैटेगरी क्या है? 53 kg। तो चलिए चलते हैं आगे, आगे देखते हैं। फीफा का ना अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप इंडिया में होने जा रहा था तो ये रीशेड्यूल हो गया अगले साल, यानी कि फेब 17, 2021 में होगा। तो इंपॉर्टेंट है याद रखना, फीफा का अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप कहां पर हो रहा है? तो ये हो रहा है इंडिया में। नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि इस बार जो है हमारा 2023 का वर्ल्ड कप जो है कहां पर होगा। अभी मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बता दिया है, लेकिन दोबारा से इस वजह से मैं पूछ रहा हूं ताकि आपको याद रहे, क्योंकि वेन्यूज बहुत ज्यादा है, क्वेश्चन वेन्यू पर जरूर आ सकता है। तो चलिए चलते हैं आगे। फीफा और WHO ने ना एक कैंपेन लॉन्च किया था डोमेस्टिक वायलेंस के विक्टिम्स। हुआ क्या, कोविड में लॉकडाउन लग गया तो घर में जो है बच्चों के साथ और जो बीवियां होती हैं उनके साथ जो है डोमेस्टिक वायलेंस ना हो, वुमेन के साथ डोमेस्टिक वायलेंस ना हो, चिल्ड्रन के साथ ना हो, इस वजह से फीफा और WHO ने मिलकर एक कैंपेन लॉन्च किया था। उसका नाम क्या है? सेफ होम कैंपेन। डायरेक्टली आपको पूछा जा सकता है कि सेफ होम कैंपेन किन्होंने लॉन्च किया? फीफा ने और WHO ने। आगे देखते हैं, वर्ल्ड चैंपियनशिप 2021 जो है कैरोलिना मरीन स्टेडियम यानी कि स्पेन में होने वाली थी, स्पेन में, और उसे पोस्टपोन कर दिया गया है कि अब वो नवंबर दिसंबर में होगी। क्वेश्चन वही बनता है, पता होना चाहिए कि वर्ल्ड चैंपियनशिप 2021 जो है कहां पर होगी। तो ये देखिए होगी स्पेन में, इंपॉर्टेंट है ध्यान में रखना। चलिए चलते हैं आगे। ऑफिशियल मास्कॉट्स ऑफ 19th एशियन गेम्स। देखिए अब ये क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैं आप आगे करवाने वाला हूं। मास्कॉट्स के ऊपर इनको रट्टा मार लीजिए। पहली बात, ये 19th एशियन गेम्स जो है कहां पर होने वाली है? तो देखिए ये होने वाली है चाइना में, और ये तीसरी बार है चाइना जो है एशियन गेम्स कंडक्ट करवाएगा, होस्ट करेगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्या है कि इसके मास्कॉट जो है वो क्या है? देखिए तीन मास्कॉट्स है, पहला कॉन्ग कॉन्ग, लियान लियान, शिन शिन। इंपॉर्टेंट है याद रखना तीनों के ही नाम, स्टार मार्क कर लीजिए, क्वेश्चन डायरेक्टली बनने के चांस है 100%। आगे देखते हैं, 2022 एशियन पैरा गेम्स भी होंगे, ये भी कहां पर होंगे? चाइना में, हांगजू में। इंपॉर्टेंट है इसका मास्कॉट क्या है? फाई फाई। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लीजिए। याद रखना ये एशियन पैरा गेम्स का मास्कॉट है और ये है हमारा एशियन गेम्स का, ये एशियन गेम्स का और ये एशियन पैरा गेम्स का, यानी कि जो डिसएबल्ड हमारे एथलीट्स होते हैं उनका, उनकी जो एशियन गेम्स होंगी उनके लिए, दोनों ही होंगी चाइना में। चलिए चलते हैं आगे। शेफाली वर्मा बिकम्स यंगेस्ट प्लेयर टू अपियर इन ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल। आपको पता है वर्ल्ड कप फाइनल जो अभी अभी T20 का हुआ था ना मार्च के मंथ में, तो हुआ क्या मार्च के मंथ में कि इंडिया जो है ऑस्ट्रेलिया से हार गया था फाइनल में। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का फाइनल हुआ था जिसमें जो है हमारी इंडियन वुमेन टीम हार गई थी, और इसमें शेफाली वर्मा जिनकी उम्र सिर्फ 16 साल है वो यंगेस्ट प्लेयर बन गई थी जिन्होंने ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल जो है खेला है, बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना। आगे देखते हैं, अब ये जो ICC वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप जब खत्म हुआ जिसको ऑस्ट्रेलिया ने हमारा जीता, उसके बाद ना वर्ल्ड कप की बेस्ट टीम आई थी, बेस्ट टीम घोषित की गई थी जिसमें 11 बेस्ट प्लेयर थे टूर्नामेंट में, तो उसमें जो है सिर्फ पूनम यादव एक ही ऐसी हमारी खिलाड़ी थी जो उस लिस्ट में थी इंडिया की, इंपॉर्टेंट है याद रखना। शेफाली वर्मा को जगह मिली लेकिन एज अ 12th मैन। आगे देखते हैं, सौराष्ट्र ने बंगाल को जो है हरा दिया था, कहां पर? रणजी ट्रॉफी के फाइनल में। इंपॉर्टेंट है सौराष्ट्र और बंगाल का जो है हमारा रणजी ट्रॉफी का फाइनल हुआ जिसमें जीत हुई सौराष्ट्र की, इंपॉर्टेंट इस वजह से भी है क्योंकि सौराष्ट्र पहली बार रणजी ट्रॉफी जीती है। रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से, क्रिकेट से, इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, फर्स्ट एवर खेलो इंडिया विंटर गेम्स।
या जिसको हम कह सकते हैं नेशनल विंटर गेम्स। नेशनल विंटर गेम्स जो है हर बार हुआ करती थी, लेकिन इस बार इसे जो है खेलो इंडिया कंडक्ट करवा रही है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स। और ये कहां पर हुई? देखिए ये हुई गुलमर्ग कश्मीर में। इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिए। खेलो इंडिया जो है यूनिवर्सिटी गेम्स भी इन्होंने करवाई थी अभी रिसेंटली, जिसमें जो है इंडिया की हर एक यूनिवर्सिटी ने जो है पार्टिसिपेट किया था। अब हुई कहां पर थी ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो हुई कहां पर? भुवनेश्वर में, यानी कि उड़ीसा में। इंपॉर्टेंट। अब इसमें जो है जीता कौन, सबसे ज्यादा मेडल्स जो है किस यूनिवर्सिटी ने जीते, ये भी इंपॉर्टेंट है। कौन थी? पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ की, जिसने इसमें टॉप किया मेडल टैली में। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी पहली बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो है हुई थी। आगे देखते हैं, देखिए लॉरियस स्पोर्टिंग मोमेंट अवार्ड, और पिछले पूरे दशक का सबसे हिस्टोरिकल मोमेंट जो है उसका अवार्ड मिला सचिन तेंदुलकर को। और वो क्या थी मोमेंट? देखिए 2011 का फाइनल के बाद जब इंडिया ने जीता था मुंबई में, उसके बाद सचिन तेंदुलकर को कंधों पर उठाकर चलाया गया था विक्ट्री के बाद, उसे जो है बेस्ट स्पोर्टिंग मोमेंट का अवार्ड मिला है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अब देखिए अंडर 19 का वर्ल्ड कप फाइनल भी इंडिया हार गया था। अंडर 19 वर्ल्ड कप फाइनल इंडिया हारा, वुमेन का T20 वर्ल्ड कप फाइनल भी इंडिया हारा, और यहां पर कौन जीता? बांग्लादेश। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और बांग्लादेश जो है पहली बार अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता है। आगे देखते हैं, इसको स्टार मार्क कर लीजिए, ये क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। नेशनल स्नूकर चैंपियनशिप जो है मेल कैटेगरी यानी कि मेन कैटेगरी में जीती आदित्य मेहता ने, और वुमेन की कैटेगरी में जीती है विद्या पिल्लई ने। इंपॉर्टेंट है इसको, तो आप स्टार मार्क डेफिनेटली कर लीजिए। आगे देखते हैं, इंडियन हॉकी के जो कैप्टन है ना मनप्रीत सिंह, उन्हें प्लेयर ऑफ द ईयर 2019 जो है घोषित किया गया था। इंपॉर्टेंट है, मनप्रीत सिंह जो हमारे इंडियन हॉकी कैप्टन है, उन्हें प्लेयर ऑफ द ईयर 2019 घोषित किया गया। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसको तो आप स्टार मार्क कर लीजिए, इसकी प्रोबेबिलिटी आने की बहुत ज्यादा है। पहली चीज, पासिंग एक्सरसाइज अभी अभी हुई थी और दो कंट्रीज के साथ हुई थी, याद रखना। पहला, नेम द कंट्री विच पार्टिसिपेटेड इन पासेक्स नेवल एक्सरसाइज एट मलक्का स्ट्रेट विद इंडिया टू प्रमोट अंडरस्टैंडिंग इन इंडियन ओशियन। देखिए इंडिया की जुलाई में दो जो है पासेक्स एक्सरसाइज हुई है, पासिंग एक्सरसाइजेस हुई है। अगर तो वो कहे कि एक्सरसाइज हुई है मलक्का स्ट्रेट में, तो वो हुई है हमारी जापान के साथ। अगर वो पूछे क्वेश्चन में कि पैसेक्स एक्सरसाइज जो हमारी हुई है वो हुई है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में, तो उसका आंसर होगा यूएस। जुलाई में दो कंट्रीज के साथ इंडिया ने पासिंग एक्सरसाइज कंडक्ट की, 1 जुलाई को की जापान के साथ, कहां पर? मलक्का स्टेट में, और 21 जुलाई को उन्होंने कंडक्ट की यूएस के साथ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। याद रखना, ये ना हो कि सिर्फ इस चीज को देखकर आप जो है यूएस या जापान जो है मार्क कर दे। याद रखना, अगर जगह होगी मलक्का स्टेट तो जापान के साथ, जगह होगी अंडमान एंड निकोबार तो यूएस के साथ। तो चलिए चलते हैं आगे। ऑफेक 16 इज द न्यू स्पाई सैटेलाइट ऑफ विच कंट्री? देखिए जो ऑफेक 16 न्यू स्पाई सैटेलाइट है, ये लॉन्च किया हमारा इसराइल ने। इंपॉर्टेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है हमारी इसराइल की, उन्होंने लॉन्च किया है ऑफेक 16। क्वेश्चन अगर बनेगा तो डायरेक्टली बनेगा। अब देखिए अभी अभी ना रिसेंटली मिशन जो है कंप्लीट हो चुका है, जो हमारे भारतीय फंसे हुए थे मालदीव्स में, श्रीलंका में, तो हुआ क्या है, उनको इंडियन नेवी ने वापस बुलाना था, वापस अपने घर जो है घर वापसी उनकी होनी थी। अब उसके लिए उन्होंने ऑपरेशन लॉन्च किया जो कि 55 डेज तक चला। उस ऑपरेशन का नाम क्या है? देखिए इंडियन नेवी ने जो ऑपरेशन शुरू किया था भारतीय जो बाकी देशों में फंसे हुए थे उन्हें भारत वापस लाने के लिए COVID-19 के दौरान, उसका नाम है ऑपरेशन समुद्र सेतु। पहली चीज, अब सिर्फ आपको ऑपरेशन समुद्र सेतु ही याद नहीं रखना, इसमें इंडियन नेवी ने कौन कौन सी शिप्स की मदद ली है ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि ऑपरेशन समुद्र सेतु तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है डेफिनेटली, लेकिन अगर थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया तो आपको ये पता होना चाहिए कि इंडियन नेवी ने कौन कौन सी शिप्स जो है उनकी मदद ली थी ऑपरेशन समुद्र सेतु में।
वो कौन सी है? देखिए INS जलाश्वा, INS इरावत, INS शार्दुल और INS मगर। चारों के नाम रखने हैं याद, ध्यान रख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए। लेकिन याद रखना कि इंडियन नेवी ने ऑपरेशन समुद्र सेतु में इन चार शिप्स की मदद ली है। तो चलिए चलते हैं आगे, आगे देखते हैं। इंडिया को जो है अपाचे हेलीकॉप्टर्स, उनके लास्ट 5 अपाचे हेलीकॉप्टर्स इंडियन एयरफोर्स को मिल गए हैं। अब आपको क्वेश्चन ये बन सकता है कि इंडिया ने ये जो डील की थी किस एरोस्पेस कंपनी के साथ डील की थी? तो नाम है बोइंग। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसके अलावा आपको ये भी पूछा जा सकता है कि अपाचे क्या है? अपाचे कोई शिप है, कोई मिलिट्री टैंक है, हेलीकॉप्टर है? पता होना चाहिए। अपाचे जो है हेलीकॉप्टर है, उसकी डील हुई थी हमारी बोइंग एरोस्पेस कंपनी के साथ और इंडिया को उसके लास्ट 5 अपाचे हेलीकॉप्टर जो है मिल चुके हैं। तो चलिए चलते हैं आगे। इंडियन नेवी कैरीड आउट पासिंग एक्सरसाइज विद नेवी ऑफ विच कंट्री नियर द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड? तो देखिए, जिस क्वेश्चन की बात मैंने इस वीडियो की शुरुआत में की थी वो आ गया है। देखिए, अगर तो बात हो रही है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की, तो आंसर होगा यूनाइटेड स्टेट्स। अगर बात होती मलक्का स्टेट की तो आंसर होता जापान। स्टार मार्क कर लीजिए, सीधा क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी इसकी बहुत ज़्यादा है। आप सभी लोग इस वीडियो के मिड तक पहुंच चुके हैं, लेकिन आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया होगा और आप में से बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन हमारे चैनल की मिल सके। तो आगे देखते हैं। नेम द एंटी टैंक गाइडेड नाग मिसाइल विच वॉज टेस्टेड बाई DRDO। तो देखिए, अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या बनता है, पहले तो मैं इसका नाम बता देता हूँ, आंसर बता देता हूँ। आंसर है इसका ध्रुवस्त्र। अब आपको ये पूछा जा सकता है कि ध्रुवस्त्र क्या है? क्या ये शिप है, क्या ये मिसाइल है, रॉकेट है, क्या चीज़ है? तो क्वेश्चन ये बनेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि जो ध्रुवस्त्र है वो है एंटी टैंक गाइडेड नाग मिसाइल। इंपॉर्टेंट है, सीधा क्वेश्चन बन सकता है। तो चलिए चलते हैं आगे। द फर्स्ट 5 ऑफ 36 राफेल फाइटर जेट्स फ्रॉम फ्रांस लैंडेड एट विच एयरबेस स्टेशन? इंडिया के लिए हिस्टोरिक मोमेंट था, आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहले, कि ये जो राफेल फाइटर जेट्स हैं, इसकी डील इंडिया ने किसके साथ की? तो देखिए, इंडिया की ये डील थी फ्रांस के साथ। और पहले 5 फाइटर जेट्स जो हैं हमारे, वो मिल गए थे हमें। और वो लैंड कहाँ पर हुए थे पहली बार? तो वो लैंड हुए अम्बाला एयरफोर्स स्टेशन पे। इम्पॉर्टेंट है, तो चलिए चलते हैं आगे। श्रीपद नायक जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट है डिफेंस के, उन्होंने इनॉग्रेट किया था डिफेंस कंक्लेव 2020 कहाँ पर, किस स्टेट में? तो देखिए, जो उन्होंने इनॉग्रेट किया, इसे इनॉग्रेट किया था गुजरात में। क्वेश्चन सीधा आपको पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग कंट्री विल होस्ट, विल होस्ट, ये क्वेश्चन पहले का फ्रेम किया गया था, लेकिन ये जो है अभी अभी होस्ट हो चुका है। 17 अगस्त को ये एक्सरसाइज स्टार्ट हो गई थी। कहाँ पर? हवाई में, हवाई में। और ये हवाई जो है US की स्टेट है, और ये अकेली US की स्टेट है जो नॉर्थ अमेरिका में नहीं है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सी ऐसी US की स्टेट है जो नॉर्थ अमेरिका में नहीं है, तो वो है हवाई। इम्पॉर्टेंट है, तो इसका आंसर क्या होगा कि रिमपैक एक्सरसाइज कौन कंडक्ट करवाता है हर 2 साल के बाद? तो ये कंडक्ट करवाता है यूनाइटेड स्टेट्स। इम्पॉर्टेंट है, याद रखना, क्योंकि ये वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट इंटरनेशनल मैरीटाइम वारफेयर एक्सरसाइज है, और इसमें इस बार चाइना ने पार्टिसिपेट नहीं किया। इम्पॉर्टेंट है, यूनाइटेड स्टेट्स। चलिए चलते हैं आगे। आगे देखते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ मिलिट्री सैटेलाइट विच वॉज लॉन्च बाय ईरान रिसेंटली? ईरान ने अभी रिसेंटली जो है अपनी पहली मिलिट्री सैटेलाइट जो है उसको लॉन्च किया था, और उसका नाम है नूर। इंपॉर्टेंट है, आगे देखते हैं। पिच ब्लैक एक्सरसाइज जो है ना, अभी अभी कैंसिल हो गई थी, क्योंकि ये जुलाई के मंथ में कंडक्ट होनी थी, लेकिन COVID-19 के चलते इसे कैंसिल कर दिया गया। क्वेश्चन ये है कि पिच ब्लैक एक्सरसाइज जो है कौन सी कंट्री की रॉयल एयरफोर्स कंडक्ट करवाती है? आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, बहुत ही ज्यादा, स्टार मार्क कर लीजिए, डायरेक्टली आपको पूछा जा सकता है।
इंडियन कोस्ट गार्ड ने अभी अभी ना 9th एडिशन कंडक्ट करवाया था रेस्क्यू एक्सरसाइज का, उसका नाम था सेरेक्स 2019 और ये गोवा में हुई थी। इम्पॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपको पूछा जा सकता है। आगे देखिए, नसीम अल बाहर एक्सरसाइज जो है एक नेवल एक्सरसाइज है, आपने ये बताना है कि ये कौन सी दो कंट्रीज के बीच में होती है। नसीम अल बाहर एक्सरसाइज जो है इंग्लिश में इसका मतलब है ब्रीज, इंग्लिश में मतलब है ब्रीज, और ये किन दो देशों के बीच में होती है, इंडिया और ओमान के बीच। इम्पॉर्टेंट है, चलिए चलते हैं आगे। नेम द इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर डेट इज लाइकली टू बी कमीशन बाय अर्ली 2021। तो देखिए, इंडिया का पहला इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर कौन सा है जो कि 2021 की शुरुआत में कमीशन्ड हो जाएगा। इंडिजीनियस का मतलब है कि ये इंडिया ने खुद अपने देश में बनाया है, नाम है विक्रांत। अब अगला क्वेश्चन, अब इंडिया ने विक्रांत को खुद बनाया है और क्वेश्चन ये बनता है कि इंडिया की कौन सी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसने इंडिया का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर जिसका नाम विक्रांत है उसे बनाया है। तो आंसर होगा ऑप्शन ए, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, ये इन्होंने बनाया है हमारे विक्रांत को। तो चलिए चलते हैं आगे। वेयर वॉज टू इंडियन कोस्ट गार्ड शिप्स एनी बेसंत एंड अमृत कौर कमीशन रिसेंटली। तो देखिए, अभी अभी एनी बेसंत और अमृत कौर नाम की दो शिप्स को कमीशन किया गया था। क्वेश्चन ये है किस जगह पर, आंसर होगा कोलकाता वेस्ट बंगाल। आगे देखते हैं, सहयोग काइजिन एक्सरसाइज जो है किन दो देशों के बीच में होती है। तो देखिए, ये होती है इंडिया और जापान के बीच में। आगे देखिए, डिफेंस एक्सपो 2020 जो है लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था। क्वेश्चन ये है, आपको ये पूछा जा सकता है किस जगह पर हुआ, ये पूछा जा सकता है इसका एडिशन कौन सा था, एडिशन था 11th, या पूछा जा सकता है इसकी थीम क्या थी। थीम, तो थीम थी इसकी इंडिया द इमर्जिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब। इम्पॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिए। आगे देखते हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने, हमारे जो बिपिन रावत जी है, उन्होंने प्रपोजल दिया था कि थिएटर कमांड जो है बना दी जाएगी किस वर्ष तक। तो देखिए, ये बना दी जाएगी 2022 तक। प्रपोजल ये है कि 2022 तक, अगर थिएटर कमांड पूछे तो 2022 तक, अगर पूछे एयर डिफेंस कमांड का प्रपोजल जो है वो कब का है, एयर डिफेंस कमांड का प्रपोजल जो है वो है 2021 का, थिएटर कमांड का प्रपोजल है 2022 का, एयर डिफेंस कमांड का प्रपोजल है 2021 का, ये आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पता होना चाहिए। तो 30 साल की शुरुआत में मुजीबुर रहमान जो अफगानिस्तान के बॉलर हैं वो यंगेस्ट बॉलर बन गए थे 100 T20 विकेट्स पूरी करने वाले। ये रिकॉर्ड पहले राशिद खान के नाम हुआ करता था, लेकिन उनको पीछे छोड़ते हुए मुजीबुर रहमान अफगानिस्तान के यंगेस्ट बॉलर बने थे। आगे देखते हैं, MS धोनी जो है वो ESPN क्रिक इन्फो, इन्होंने ESPN क्रिक इन्फो ने पिछले 10 साल की T20 टीम और ODI टीम का कैप्टन जो है महेंद्र सिंह धोनी जी को चुना था, और महेंद्र सिंह धोनी जी जो है रिसेंटली रिटायर भी हुए हैं। आगे, नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप इस बार 2020 की कहां पे हुई थी, ले में हुई थी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सरबजीत कौर, सीधा पूछा जा सकता है कि सरबजीत कौर जिन पर बैन लगा था 4 साल के लिए डोपिंग की वजह से, वो कौन सी कैटेगरी से आती है और वो कौन है, वेट लिफ्टर है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की इस बार ट्रॉफी जो है महाराष्ट्र ने जीती थी, रिटेन उन्होंने किया, इसका मतलब लास्ट टाइम भी महाराष्ट्र जीता था, इस बार भी महाराष्ट्र जीता। आगे देखते हैं, वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर, उन्होंने रानी रामपाल जो कि हमारी इंडियन हॉकी टीम की कैप्टन भी है, उन्हें घोषित किया था क्या वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर, और इसे स्टार मार्क कर लीजिए, क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। आगे देखिए, सोफिया कैनिन ऑस्ट्रेलियन ओपन इन्होंने जीता था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाएगा तो डायरेक्टली पूछा जाएगा कि इस बार ऑस्ट्रेलियन ओपन ग्रैंड स्लैम जो है किसने जीता था, तो सोफिया कैनिन ने जीता था। आगे देखिए, इंडिया जो है फाइनल में हार गया था बांग्लादेश से अंडर 19 के क्रिकेट वर्ल्ड कप में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे भी स्टार मार्क कर लीजिए। आगे देखिए, इंडियन हॉकी ने हमारे जो कैप्टन है मनप्रीत सिंह जी, इन्हें घोषित किया था प्लेयर ऑफ द ईयर 2019, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। आगे देखिए, नाडा ने यानी कि नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने
जेवलिन थ्रोअर अमित धैया को भी 4 साल के लिए बैन किया था। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अमित धैया जो है स्पोर्ट्स की कौन सी कैटेगरी से आते हैं, तो जेवलिन थ्रो की कैटेगरी से आते हैं। 2020 का पूछा जा सकता है कि वुमेन फुटबॉल वर्ल्ड कप कहां पर होगा, तो देखिए इंडिया होस्ट करेगा, इंपॉर्टेंट है याद रखना, अंडर 17 का इंपॉर्टेंट। इंडिया जो है 2021 का जूनियर मेंस हॉकी वर्ल्ड कप भी होस्ट करेगा, तो इंडिया क्या क्या होस्ट कर रहा है आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा हमारी स्टार बैडमिंटन प्लेयर पीवी सिंधु जो है ESPN फीमेल स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड इन्हें मिला है, और लगातार दूसरी बार इन्हें पीवी सिंधु को यह अवार्ड मिला है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पहले भी यूपीएससी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। आगे देखिए, दिव्या काकरण विंस अ गोल्ड मेडल एट एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप। आपको पता होना चाहिए कि दिव्या काकरण जो है स्पोर्ट्स की कौन सी कैटेगरी से आती है, कौन सा स्पोर्ट्स खेलती है, तो रेसलिंग इंपॉर्टेंट है। अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रॉस टेलर जो कि न्यूजीलैंड के क्रिकेटर हैं, पहले ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं तीनों फॉर्मेट में 100 मैचेस खेलने वाले। तीन फॉर्मेट कौन से, ODI हो गया, टेस्ट हो गया, T20 हो गया, इन्होंने तीनों ही फॉर्मेट्स में 100 मैचेस खेले हैं, और यही कारनामा करने वाले वो दुनिया के पहले बल्लेबाज बने हैं। कहां से आते हैं, न्यूजीलैंड से। आगे देखिए, मारिया शारापोवा जो है कौन सा स्पोर्ट खेलती थी, ये आपको पूछा जा सकता है, कौन सा खेलती थी, टेनिस। आपने मुझे ये बताना है कि मारिया शारापोवा जो है कौन सी कंट्री से आती है, इन्होंने रिसेंटली जो है रिटायरमेंट घोषित कर दी थी। इसके अलावा फर्स्ट खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हुई थी कहां पर, इस बार भुवनेश्वर में। जयदेव नादकत ये सौराष्ट्र की तरफ से खेलते हैं, और रणजी ट्रॉफी इस बार किसने जीती थी, सौराष्ट्र ने ही जीती थी। जयदेव नादकत सबसे ज्यादा विकेट्स लेने वाले रणजी ट्रॉफी के गेंदबाज जो है बन चुके हैं, इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जा सकता है। ये सौराष्ट्र के कैप्टन भी थे, सबसे ज्यादा विकेट्स भी इन्होंने ली, और इन्होंने पुराने रिकॉर्ड्स भी तोड़े, और रणजी ट्रॉफी भी सौराष्ट्र ने ही जीती। आगे देखिए, वेस्ट इंडीज के किरण पोलार्ड जो है पहले ऐसे क्रिकेटर बन गए थे जिन्होंने 500 T20 मैचेस खेले हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए, इसी साल फेब और मार्च में जो है हमारा क्रिकेट वर्ल्ड कप खेला गया था T20 का वुमेन का, किसने जीता है, ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। फाइनल में किसको हराया था, इंडिया को, यानी कि इंडिया अंडर 19 का वर्ल्ड कप भी हारा था और वुमेन का वर्ल्ड कप T20 का भी हारा था, याद रखना है। यहां पे कौन जीता था, ऑस्ट्रेलिया जीती थी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैन ऑफ द मैच आपको पूछा जाए तो कौन रही थी, अलिसा हेली जो है मैन ऑफ द मैच रही थी फाइनल में। अगर पूछा जाए कि प्लेयर ऑफ द सीरीज वुमेन T20 वर्ल्ड कप में कौन रहा था, तो वो रही थी बेथ मुनी, इंपॉर्टेंट है। तो चलिए चलते हैं आगे, पीवी सिंधु को ESPN ने तो अवार्ड दिया ही था स्पोर्ट्स पर्सन का, स्पोर्ट्स वुमेन का। पीवी सिंधु को जो है BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड भी मिला, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लीजिए। वसीम जाफर जिन्हें लेजेंड ऑफ डोमेस्टिक क्रिकेट कहा जाता है, उन्होंने भी रिटायरमेंट अनाउंस कर दी थी। इसके अलावा पंकज अडवाणी जो है उन्होंने 24th नेशनल गेम्स, यानी कि पंकज अडवाणी खेलते हैं स्नूकर, और नेशनल स्नूकर टाइटल फिर से इस बार किसने जीता था, पंकज अडवाणी जी ने। आगे देखिए, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि सौराष्ट्र ने इस बार पहली बार रणजी ट्रॉफी का टाइटल जीता है, जयदेव नादकर जो है सौराष्ट्र से खेलते हैं और उन्होंने सबसे ज्यादा विकेट्स लेने का भी रिकॉर्ड बनाया है, इंपॉर्टेंट। यूथ एशियन गेम्स जो है 2021 की कहां पर होगी, कौन होस्ट करेगा, चाइना होस्ट करेगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे स्टार मार्क कर लीजिए। इनकी अचानक जो है डेथ हो गई थी एक्सीडेंट में कोब ब्रायंट की, तो इनका जो है आपको पूछा जा सकता है कि कोब ब्रायंट जो है हमारे कौन सा खेल खेलते थे, ये थे बास्केटबॉल, इनका संबंध था बास्केटबॉल के साथ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे प्लेयर, इनका देहांत हो गया था 2020 में। तो चलिए चलते हैं आगे, इसके अलावा जो हमारे बेन स्टोक्स हैं, इन्हें विस्डन का लीडिंग क्रिकेटर जो है घोषित किया गया था 2020 का। विस्डन कुछ भी लॉन्च करता है, कुछ भी बताता है स्पोर्ट्स के लिहाज से, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान रखना। इसके अलावा मिजोरम जो है पहली स्टेट बन गई है जिन्होंने इंडस्ट्री का स्टेटस दे दिया है, किसे, स्पोर्ट्स को, खेलों को, ताकि जो हमारे स्पोर्ट्स हैं इनको बढ़ावा मिल सके, आंसर याद रखना क्या है, मिजोरम। इसके अलावा विराट कोहली अकेले क्रिकेटर थे फोर्ब्स की टॉप 100 हाईएस्ट पेड एथलीट्स की लिस्ट में, इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा पैसे कमाने वालों की लिस्ट में
सिर्फ विराट कोहली थे सबसे ऊपर। आपका होमवर्क ये है कि विराट कोहली इस लिस्ट में कौन से नंबर पर थे, ये मैंने आपको करवाया हुआ है। तो चलिए चलते हैं आगे, आगे देखते हैं। लिवरपूल जो है उन्होंने इंग्लिश प्रीमियर लीग, जो कि फुटबॉल की डोमेस्टिक लीग है, वो उसका टाइटल किसने जीता था? लिवरपूल ने। इंपॉर्टेंट है, आगे देखिए, ये तो स्टार मार्क कर लीजिए। फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ एमसीसी कौन बनेंगी? क्लेयर कॉनर। इंपॉर्टेंट है, अभी कौन है? कुमार संगाकारा। कुमार संगाकारा श्रीलंका के क्रिकेट प्लेयर है, अभी वो है इसके प्रेसिडेंट, लेकिन अगली बार पहली बार पहली फीमेल प्रेसिडेंट मिलेगी एमसीसी को, उनका नाम क्या है? क्लेयर कॉनर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। 2023 का वुमेन वर्ल्ड कप कहां पर होगा? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जो है इसे होस्ट करेंगे। आगे देखते हैं, इंडियन अंपायर जिनका नाम है नितिन मेनन, उन्हें भी आईसीसी के जो एलाइट पैनल की लिस्ट है, जो इंटरनेशनल मैचेस में अंपायरिंग करते हैं, उनमें जगह मिल गई है नितिन मेनन जी को। आगे देखते हैं, रविंदर जडेजा जिन्होंने 2019 के सेमीफाइनल में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण पारी खेली थी, जो भारत हार गया था, उसके बाद वो काफी सुर्खियों में भी रहे हैं, तो इंडिया के मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर विस्टर ने किसे घोषित किया था? रविंदर जडेजा को, क्योंकि वो ऑलराउंडर है और क्रूशियल सिचुएशन में वो मैचेस जितवाते हैं। आगे देखिए, चाइनीज बैडमिंटन सुपरस्टार, इनका आपने नाम सुना होगा, लिन डैन, बहुत ज्यादा फेमस प्लेयर है, ये भी रिटायर हो गए हैं। पता होना चाहिए लिन डैन जो है कौन से खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से। हंगरियन ग्रैंड प्रिक्स जो है किसने जीती थी इस बार? लुइस हैमिल्टन ने। आगे देखिए, 2021 के खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहां पर होंगे? हरियाणा में। इसके अलावा इंडिया जो है 2021 का T20 वर्ल्ड कप होस्ट करके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, 2020 में ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप होना था, यानी इसी साल 2020 वाला वर्ल्ड कप जो है शिफ्ट हुआ है 2022 में, लेकिन 2021 वाला वर्ल्ड कप इंडिया में होगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, 2020 का ऑस्ट्रेलिया में होना था T20 वर्ल्ड कप, वो आगे चला गया है 2022 में, और 2021 वाला वर्ल्ड कप जो है इंडिया में ही होगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत कर देना। आगे देखिए, ये अगस्त का करंट अफेयर है, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिस्क नहीं ले सकते, पता होना चाहिए। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला इस बार रिसेंटली, किसे किसे? रोहित शर्मा को, विनेश फोगाट को, मनिका बत्रा को, इसके अलावा मरियप्पन थंगवेलु जी को, तो इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला है। आपको पता होना चाहिए, इन्हें तो स्टार मार्क कर लीजिए, स्टार मार्क कर लीजिए, आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं, CISF जो कि हमारी पहला मिलिट्री फोर्सेस है, उन्होंने कहा था कि 2020 को किस तरह से मनाया जाएगा? ईयर ऑफ मोबिलिटी, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मिलान 2020 नेवल एक्सरसाइज इस बार मार्च में हुई थी, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मिलान 2020 एक्सरसाइज किस जगह पर हुई? तो वो हुई विशाखापट्टनम में। इसके अलावा इंडिया का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर जो उन्होंने खुद बनाया है, जिसका नाम होगा विक्रांत, ये कमीशन कब तक हो जाएगा? 2021 तक। इसके अलावा 11th डिफेंस एक्सपो जो है 2020 की कहां पर हुई थी? लखनऊ में हुई है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। आगे देखिए, इंडियन आर्मी के मेजर है हमारे अनूप मिश्रा जी, उन्होंने एक हेलमेट बनाया था जो कि AK-47 बुलेट को 10 मीटर के डिस्टेंस से भी अगर लगती है तो बंदा मरने से बच सकता है। इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए कि हमारे कौन से मेजर है, अनूप मिश्रा जी है उनका नाम, जिन्होंने इस तरह का हेलमेट जो है बनाया है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, इसके अलावा आपको यह पूछा जा सकता है कि इंद्रधनुष एक्सरसाइज 2020 जो है किन दो देशों के बीच में हुई? तो देखिए, किन दो देशों के बीच में हुई? इंडिया और रॉयल एयरफोर्स ऑफ यूनाइटेड किंगडम। इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, इंडिया ने बहुत बड़ी डील साइन की थी आर्मेनिया के साथ अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, डिफेंस सेक्टर को बूस्ट करने के लिए। इंपॉर्टेंट है, इंडिया $40 मिलियन की चीजें जो है, डिफेंस इक्विपमेंट जो है, आर्मेनिया को भेजेगा। आगे देखिए, नेटिव फरी, ये जो है दो देशों के बीच में एक्सरसाइज हुई थी ट्रूप्स के बीच में, आर्मी की, यूएस और यूएई, डायरेक्टली पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये न्यूज में रहा। अभी ऑपरेशन संजीवनी चलाया गया था किसके द्वारा? इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। COVID-19 के बीच में जो है मालदीव्स को मेडिसिन की जरूरत थी, ये इंडियन एयरफोर्स ने मिशन चलाया और मालदीव्स को जो है मेडिसिन प्रोवाइड की, इसका नाम क्या है? ऑपरेशन संजीवनी। CISF जो कि हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस है, उन्होंने ई कार्यालय के नाम की ऐप जो है चलाई थी, ताकि जो फाइल्स की मूवमेंट है उसको इजी किया जा सके।
इम्पॉर्टेंट है, आपको ये डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि ई कार्यालय ऐप जो है किसने लॉन्च की थी, तो CISF ने की थी। पिच ब्लैक 2020 एक्सरसाइज जो अभी अभी कैंसिल हुई, इसे होस्ट कौन करता है? तो देखिए इसे होस्ट करता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर 2 साल के बाद ये एक्सरसाइज होती है। इसके अलावा डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक पैक्ट साइन किया था टाटा पावर के साथ टू मॉडर्नाइज 37 एयरफील्ड्स। क्वेश्चन ये बनेगा तो डायरेक्टली पूछा जाएगा कि डिफेंस मिनिस्ट्री ने ये पैक्ट किसके साथ साइन किया है, तो टाटा पावर के साथ उन्होंने साइन किया है। इंडिया ने मिलिट्री वॉर गेम सेंटर भी युगांडा में जो है एस्टेब्लिश किया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मिसाइल पार्क जिसका नाम है अग्निप्रस्थ, ये सेटअप किया गया कहाँ पर? INS कलिंग में। इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा। आगे देखते हैं, IEF इंडक्टेड एयरबोर्न रेस्क्यू पोर्ट आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले तो आपको इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, अर्पित। आपको ये पूछा जाएगा कि अर्पित क्या है? देखिए अर्पित की फुल फॉर्म है एयरबोर्न रेस्क्यू पोर्ट आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि कई जगह पर जो ऊंचाई पर थी, हाइट पर थी, वहां पर COVID-19 के पेशेंट जो है फंसे हुए थे, तो अर्पित को तैयार किया गया ताकि वो उन जगह से उन पेशेंट्स को ला सके। इंपॉर्टेंट है, किसने इंडक्ट किया? इंडियन एयरफोर्स ने। अर्पित की फुल फॉर्म क्या है? एयरबोर्न रेस्क्यू पोर्ट आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसके अलावा 2 ब्रिजेज इंपॉर्टेंट है, देविका ब्रिज और पुनेजा ब्रिज, जम्मू एंड कश्मीर में इनका उद्घाटन हुआ था। आगे देखिए, इंडियन नेवी ने इंडक्ट किया है एडवांस टॉरपेडो डिकॉय सिस्टम। इंडियन नेवी ने इंडक्ट किया एडवांस टॉरपेडो डिकॉय सिस्टम जिसका नाम है मरीज, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए ये क्या होती है, एक तरह की ना मिसाइल होती है, मिसाइल टॉरपेडो क्या होती है, मिसाइल जो कि वाटर के बीच में मिसाइल जो छोड़ी जाती है उसे कहते हैं टॉरपेडो, इंपॉर्टेंट है। तो इसे एडवांस टॉरपेडो डिकॉय सिस्टम जिसका नाम होगा मरीज, ये इंडियन नेवी ने इंडक्ट किया है। नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है, मरीज क्या है ये भी पूछा जा सकता है। तो चलिए चलते हैं आगे। इसके अलावा इंडिया और जापान के बीच में पासेक्स नेवल एक्सरसाइज हुई थी, अगर पूछा जाए स्ट्रेट ऑफ मलक्का में हुई थी, तो इंडिया और जापान की। पूछा जाए कि पासेक्स एक्सरसाइज जो है अंडमान एंड निकोबार में हुई थी, तो उसका आंसर क्या होगा? इंडिया और यूएसए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिया और जापान, इंडिया और यूएसए, पैसेक्स नेवल एक्सरसाइज, सिर्फ जगह का डिफरेंस है। आगे देखिए, आपको ये पूछा जा सकता है कि ध्रुव अस्त्र क्या है? तो देखिए ध्रुव अस्त्र क्या है? एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। क्वेश्चन बनेगा तो यही बनेगा। आगे देखते हैं, रिसेंटली इंडिया ने कुछ चीज़ों पर बैन लगा दिया था कि इन्हें हम इम्पोर्ट नहीं करेंगे, तो एक बार इस लिस्ट को ज़रूर देख लेना। आर्टिलरी गन्स है, असॉल्ट राइफल्स है, सोनार सिस्टम्स है, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, LCH है, रेडार्स है, इंपॉर्टेंट है, एक बार इस लिस्ट को ज़रूर देख लेना। 101 आइटम्स ऐसी थी जो इंडिया ने कहा था कि वो इम्पोर्ट नहीं करेगी। आगे देखते हैं, 1917 ये फिल्म का नाम है, पिक्चर का नाम है, और ये बेस्ट पिक्चर घोषित की गई थी गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2020 में, और ये अवार्ड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इस वजह से आपको पिक्चर का पता होना चाहिए। जसप्रीत बुमराह जो है उन्हें BCCI का पॉली उमरीगर अवार्ड जो है मिला था, इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, वसदेव मोही जी इन्हें जो है 29th सरस्वती समन अवार्ड से जो है सम्मानित किया गया है, और ये सिंधी राइटर है, इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिए, सरस्वती समन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अवार्ड होता है। आगे देखिए, CISF काफ़ी न्यूज़ में रहा, हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेज, और इनके कंटिंजेंट को बेस्ट मार्चिंग कंटिंजेंट जो है रिपब्लिक डे परेड में घोषित किया गया था। आपने मुझे ये बताना है कि इस बार रिपब्लिक डे में हमारे चीफ गेस्ट कौन थे। आगे चलते हैं, वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट जो है 2020 की कहां पर हुई? न्यू दिल्ली में हुई। शक्तिकांत दास जी जो कि हमारे RBI के गवर्नर भी है, इन्हें सेंट्रल बैंकर इन एशिया, बेस्ट बैंकर घोषित किया गया था, बेस्ट सेंट्रल बैंकर इन एशिया पैसिफिक रीजन, इंपॉर्टेंट है। पुलेला गोपीचंद इन्हें ऑनर किया गया किसके साथ? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के साथ, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा, इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, काम्या कार्तिकेन यंगेस्ट गर्ल बन गई है जिन्होंने माउंट एकनकागुआ को चढ़ाई की है, उनकी पीक तक पहुंची है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, PV सिंधु को 3री बार लगातार ESPN का फीमेल स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड जो है मिला है। आगे देखिए,
पीटर एबडॉन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है, इनका नाम याद रखना। क्वेश्चन डायरेक्टली बन सकता है कि पीटर एबडॉन जो है कौन थे, इनका किस खेल के साथ संबंध था, तो इनका था संबंध स्नूकर के साथ। अगला क्वेश्चन, यूनाइटेड नेशन का एनवायरमेंटल प्रोग्राम का गुडविल एम्बेसडर जो है दिया मिर्जा को बनाया गया है और इनका टेन्योर 2022 तक एक्सटेंड भी हो चुका है, तो आपको पूछा जा सकता है कि यूएनईपी की गुडविल एम्बेसडर कौन है, तो दिया मिर्जा है। किरण मजूमदार शास चार मार कर लीजिए, ईवाई वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 बनी है। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा, डायरेक्टली मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे देखिए, जावेद अख्तर को भी एक अवार्ड मिला था, उसका नाम क्या है, रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड। डायरेक्टली पूछा जाएगा कि रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड जो है 2020 में किसे मिला है, जावेद अख्तर जी को। रंजीत कुमार जो है हमारे, उन्हें ऑनर किया गया नासा के डिस्टिंग्विश सर्विस मेडल से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स जो है हमारी, उन्होंने यूएस की स्पेस फोर्स भी लॉन्च कर दी है, स्पेस फोर्स इंपॉर्टेंट है, और इनकी वो सिक्स आर्म्ड फोर्सेस थी। सिक्स आर्म्ड फोर्सेस का मतलब कैसे, जैसे हमारी नेवी होती है, आर्मी होती है, एयर फोर्स होती है, उसी तरह से उन्होंने स्पेस फोर्स का भी गठन किया है यूएसए ने, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 रिलीज हुआ था, इंडिया का रैंक है 142, नॉर्वे ने किया था उसमें टॉप। इसके अलावा ईरान ने अपनी पहली मिलिट्री सैटेलाइट लॉन्च की, उसका नाम है नूर, इंपॉर्टेंट। आगे देखिए, मुस्तफा अल कादिमी बिकम्स न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इराक, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इराक हो गया, ईरान हो गया, इसराइल हो गया, ये काफी न्यूज में रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। इसके अलावा ईरान ने ना नई करेंसी अडॉप्ट कर ली थी जिसका नाम है तुमान, तो तुमान किस देश की करेंसी, आपको पूछा जा सकता है। आगे देखिए, बेंजामिन नेतन्याहू ये जो है पांचवी बार इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बने हैं, बाद में इनके ऊपर करप्शन चार्जेस भी लगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेंजामिन नेतन्याहू। आगे देखिए, फेसबुक ने लॉन्च किया था कैचअप कॉलिंग एप्लीकेशन, यानी कि कॉल करने के लिए एक एप्लीकेशन लॉन्च की थी फेसबुक ने जिसका नाम है कैचअप। आगे देखिए, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है, 5th of June को, थीम क्या था, सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी। आगे देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक टास्क फोर्स जो है एस्टेब्लिश की थी जिसको हेड करेंगी जया जेटली, और किसके लिए, जो भी हमारे मोर्टेलिटी रेट है, सेक्स रेशो है, सेक्स रेशो एट बर्थ है, जितनी भी इस तरह की प्रॉब्लम्स है उसको अवेल्युएट करेगी ये कमेटी, और इसको हेड कौन करेंगी, जया जेटली जी, इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, इंडिया का 168 रैंक था किसमें, 12th एडिशन ऑफ ईपीए 2020, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली पूछा जा सकता है, एनवायरनमेंट के रिलेटेड ये इंडेक्स होता है। आगे चलते हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंसेस, तो देखिए ये मनाया जाता है 16th June को, फैमिली रेमिटेंसेस जो है काफी न्यूज में रहा है, तो आपको पूछा जा सकता है। आगे देखिए, वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट, ये किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है 17th of June को। आगे देखिए, किर्गिस्तान के प्राइम मिनिस्टर करप्शन चार्जेस की वजह से इन्होंने रिजाइन कर दिया था, इनका नाम क्या है, अबिल गजीब, डायरेक्टली पूछा जा सकता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन पर करप्शन के चार्जेस लगे थे, इस वजह से न्यूज में रहे हैं। आगे देखिए, वोल्कान बोस्किर जो है न्यू प्रेसिडेंट बने थे किसके, 75th यूएन जनरल असेंबली के, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लीजिए। आगे देखिए, लॉस एंजलिस में पहली योगा यूनिवर्सिटी जो है एस्टेब्लिश की गई जिसका नाम होगा विवेकानंद जी के ऊपर, विवेकानंद योगा यूनिवर्सिटी, कहां पर, लॉस एंजलिस यूएसए, इंपॉर्टेंट। आगे देखिए, नासा ने अपने हेडक्वार्टर का नाम जो है पहली बार किसी अफ्रीकन अमेरिकन फीमेल के ऊपर रखा है, उनका नाम क्या है, मैरी डब्ल्यू जैक्सन, नासा के हेडक्वार्टर का नाम उन्होंने बदलकर इनके ऊपर रखा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लीजिए। आगे देखते हैं, ईरान इश्यूज अरेस्ट वारंट फॉर डोनाल्ड ट्रंप, देखिए डोनाल्ड ट्रंप अरेस्ट तो नहीं हो सकते, लेकिन किसने इशू किया था अरेस्ट वारंट उनके खिलाफ, किस कंट्री ने, पूछा जा सकता है, तो देखिए किसने किया था, ईरान ने। इंटरपोल क्या है, इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है, इंपॉर्टेंट, उन्होंने उनकी मदद मांगी थी कि डोनाल्ड ट्रंप को जो है अरेस्ट किया जाए, कौन सी कंट्री, ईरान। आगे देखिए, ड्वेन जॉनसन जिसे आप रॉक के नाम से भी जानते होंगे, वो हाईएस्ट पेड सेलिब्रिटी है किसके, इंस्टाग्राम के। आगे देखते हैं, बांग्लादेश ने डिजिटल हार्ट जो है लॉन्च किया था,
किसकी वजह से? सैक्रिफिशियल एनिमल्स, यानी कि उनके ईद मनाई जाती है वहां पर, जिसके लिए सैक्रिफाइसेस देने होते हैं एनिमल्स के। कोविड की वजह से बाजार बंद थे, तो डिजिटल हार्ट शुरू किया था कि घर बैठे बैठे उन एनिमल्स के रिलेटेड जो है उनका इकोनॉमी डाउन ना जाए, उनका बिजनेस जो है कम ना हो। तो बांग्लादेश ने डिजिटल हार्ट जो है लॉन्च किया था। आगे देखते हैं, मलाला डे मलाला यूसुफजई के नाम पर मनाया जाता है। पहली बार ऑब्जर्व किया गया कब? 12 जुलाई को। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यूएई पहली अरब कंट्री बन गई है न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करने वाली। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा। ओलंपिक मेडलिस्ट हॉकी प्लेयर बलबीर सिंह जी, बहुत ज्यादा फेमस प्लेयर थे हॉकी के बलबीर सिंह खुल्लर जी, उनका भी देहांत हो गया। आपको पूछा जा सकता है कि बलबीर सिंह खुल्लर जी जो है कौन सी स्पोर्ट से संबंध रखते थे हॉकी के साथ? हमारे नए चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो बने थे वो बने थे बिमल जुल्का जी। इसके अलावा मनोहर पारिकर जी जो सीएम रहे हैं गोवा के और डिफेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं इंडिया के, उनका देहांत हो गया था। आपको पूछा जा सकता है कि एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ बायोग्राफी किनकी थी? मनोहर पारिकर जी की। आगे देखिए, राजनाथ सिंह जी ने एक बुक लॉन्च की थी रिसेंटली, लिखी किसने थी? तरुण विजय ने। किसके ऊपर लिखी थी? मनोहर पारिकर जी के ऊपर। नाम बुक का क्या था? इनविंसिबल। इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, इंडिया के फुटबॉल लेजेंड, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, पीके बैनर्जी, इनका भी देहांत हो गया। पीके बैनर्जी कौन सी स्पोर्ट से संबंध रखते हैं पता होना चाहिए? फुटबॉल। फिफ्थ साइंस फिल्म फेस्टिवल इस बार कहां पर सेलिब्रेट किया गया? गोवा में। इसरो पहली बार ह्यूमनॉइड को भेजेगा गगनयान मिशन में, इंपॉर्टेंट है। उसका नाम क्या है? ह्यूमनॉइड का नाम क्या है? व्योम मित्र। व्योम मित्र क्वेश्चन बनेगा, डायरेक्टली बनेगा। आगे देखिए, इंडिया ने जो है एक नई हमारी क्या कहते हैं अथॉरिटी का गठन किया है, जिसका नाम है इन स्पेस। पहले तो आपको इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, फुल फॉर्म क्या है? इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथोराइजेशन सेंटर। अब इन स्पेस के साथ होगा क्या? प्राइवेट प्लेयर्स को अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि वो भी हमारे स्पेस मिशंस में पैसा लगा सके, ताकि हमारे स्पेस मिशंस जो है और ज्यादा आगे बढ़े। इंपॉर्टेंट है। वाटर एफिशिएंसी का रैंक आया था, उसमें गुजरात ने टॉप किया था। इसके अलावा डेमोक्रेसी इंडेक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डेमोक्रेसी की चर्चा बहुत ज्यादा हो रही है इंडिया में, डायरेक्टली पूछा जा सकता है। इंडिया स्लिप कर गया था 51st नंबर पे डेमोक्रेसी के मामले में। आगे देखिए, वेस्ट बंगाल जो है पहले उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वेजिटेबल प्रोडक्शन हुआ करती थी, लेकिन इस बार जो है वेस्ट बंगाल ने पीछे छोड़ दिया था यूपी को वेजिटेबल प्रोडक्शन के मामले में, पता होना चाहिए। नितिन गडकरी जी ने एक वेब पोर्टल लॉन्च किया था गति, आपको पूछा जा सकता है कि गति वेब पोर्टल जो है किसके रिलेटेड है? देखिए, हाईवेज हो गया, रोड ट्रांसपोर्ट के प्रोजेक्ट्स हो गए, उनमें आसानी से जो आपस में कोऑर्डिनेशन बनाया जा सके, इस वजह से वेब पोर्टल गति लॉन्च किया था। किसके रिलेटेड? हाईवेज एंड रोड प्रोजेक्ट्स के रिलेटेड। किसने? नितिन गडकरी जी ने। इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, कंट्री की पहली सुपर फैब लैब जो है इनॉग्रेट हुई थी कहां पर? केरला में। इसके अलावा, व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट? देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन नाम कर दिया गया है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का नाम चेंज हो गया है, इसका नाम होगा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेंगलुरु की यूनिवर्सिटी है एग्रीकल्चर साइंसेज की, वो होस्ट करेगी इंडियन साइंस कांग्रेस को। आगे देखिए, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2020 लॉन्च हुआ था, आया था, ये बताता है कि कौन सी कंट्री का पासपोर्ट सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। इंडिया का इसमें रैंक था 84, सबसे ज्यादा स्ट्रांग पासपोर्ट है किसका? जापान का। इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंटरनेट यूज करना हमारा फंडामेंटल राइट है, इसे हमें हमसे जो है हमारी सरकारें छीन नहीं सकती। ये अभी अभी जजमेंट आई थी किसके तहत? आर्टिकल 19 के तहत। आर्टिकल 19 के तहत बताया गया है कि इंटरनेट जो है हमारा एक फंडामेंटल राइट है, सरकारें इसे हमसे वापस नहीं ले सकती। ये इशू कहाँ से शुरू हुआ था? जम्मू एंड कश्मीर से, क्योंकि वहां पर आर्टिकल 370 के बाद जो है हमारा इंटरनेट काफी देर तक बंद रहा। आगे देखिए, ये क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं, आगे देखते हैं। विच कंट्री इज द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ द ई वेस्ट इन 2019? तो देखिए, ई वेस्ट 2019 की रिपोर्ट आई थी कि सबसे ज्यादा ई वेस्ट जो है कौन सी कंट्री अमिट करती है, तो देखिए वो है चाइना। चाइना इसमें सबसे ऊपर है, कंट्रीब्यूटर कौन है? चाइना। इंडिया है इसमें थर्ड रैंक पर, इंडिया है थर्ड पर। आगे चलते हैं, पहला यूरोपियन नेशन कौन सा था जिसने कोविड का आउटब्रेक खत्म हो गया इसकी ऊपर घोषणा की थी?
तो वो है स्लोवेनिया। इम्पोर्टेंट, आगे देखिए, इंडियन मिलिट्री ऑफिसर कौन थी? मेजर सुमन ग्वानी जी थी, जिन्हें अवार्ड किया गया है किससे? यूनाइटेड नेशन का मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है किसे? मेजर सुमन ग्वानी जी को। ये क्वेश्चन तो स्टार मार्क कर ही लीजिए, ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा ही जाएगा। आगे देखते हैं, सोराई खोवार पेंटिंग, इसे जीआई टैग मिला था, ये कहां की है? झारखंड की। सोराई खोवार पेंटिंग जीआई टैग के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछे जाते रहेंगे। आगे देखिए, तिलाई रुमाल जो है इसे भी जीआई टैग मिला है, ये कहां का है? तेलंगाना का। चक हाओ, इसे भी जीआई टैग मिला, ये कहां का है? मणिपुर का, मणिपुर। और ये क्या है? ब्लैक राइस है, ब्लैक राइस, काले चावल, काले चावल मणिपुर के। चक हाओ, इसे जीआई टैग मिला है मणिपुर। तिलाई रुमाल कहां की है? ये है तेलंगाना की। सोराई खोवार पेंटिंग है झारखंड की, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस पर से क्वेश्चन आपको बन सकता है। सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली फीमेल एथलीट दुनिया की कौन है? नाओमी ओसाका, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लीजिए। चैंपियंस पोर्टल लॉन्च किया था कौन सी मिनिस्ट्री ने? मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज ने। इसके अलावा कौन सी स्टेट है जिसका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट सबसे कम है? केरला का, ये भी अभी अभी रिपोर्ट आई थी। आगे देखिए, ई पंचायत पुरस्कार 2020 का किसे मिला? हिमाचल को मिला। कौन सी ऐसी पहली प्राइवेट स्पेस एजेंसी है जो कि अपना प्राइवेट रॉकेट से एस्ट्रोनॉट्स को कैरी करेगी? स्पेस एक्स, स्पेस एक्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हमारे इलॉन मस्क जी की जो है ये स्पेस एजेंसी है। आगे देखिए, हु हैज बिकम द फर्स्ट पर्सन टू रीच द डीपेस्ट पॉइंट ऑफ द ओशियन? आपका होमवर्क है, आपने मुझे ये बताना है कि डीपेस्ट पॉइंट ओशियन का कहाँ पर एग्जिस्ट करता है। अब यहाँ पर पहुंची कौन है, कौन सी पहली पर्सन बनी है, फीमेल बनी है, तो वो है कैथी सुलेवन। आगे देखते हैं, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स आया था 2020 का, उसे टॉप किसने किया है? फिनलैंड ने। आगे देखिए, वर्ल्ड वाटर डे जो है ऑब्जर्व किया जाता है 22 मार्च को हर साल, इस बार इसका थीम क्या था? थीम था वाटर एंड क्लाइमेट चेंज। अब देखिए, ये कुछ ना बैंक्स के मर्ज हुए थे, ये क्वेश्चन बन सकता है, आपको पता होना चाहिए। 1 अप्रैल 2020 को कुछ बैंक्स मर्ज हो गए थे, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको पूछा जा सकता है। देखिए, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एंड यूनाइटेड बैंक जो है मर्ज हो गए थे, किस में? पंजाब नेशनल बैंक में। अलाहाबाद बैंक मर्ज हो गया था इंडियन बैंक के साथ। सिंडिकेट बैंक मर्ज हो गया था कैनरा बैंक के साथ। आंध्रा बैंक एंड कॉरपोरेशन बैंक जो है मर्ज हो गए थे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे देखिए, विच कंट्री हैज बिकम द 30th मेंबर ऑफ नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन? नाटो, नाटो का 30th मेंबर कौन बना है? नॉर्थ मैकेडोनिया। आपका होमवर्क ये है, मुझे बताना है कि नाटो के हेडक्वार्टर कहां पर है। हु हैज बीन नेम्ड एज द विस्डन लीडिंग क्रिकेटर 2020 इन फीमेल कैटेगरी? इंपॉर्टेंट है, आपका होमवर्क ये है, मैंने इस वीडियो के स्टार्ट में आपको बताया था मेल कैटेगरी का, फीमेल का पूछा जाए तो कौन है? एलाइस पेरी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी है। आगे देखिए, कौन सी ऐप जो है वो फास्टेस्ट ऐप बनी थी दुनिया की, जिसने 50 मिलियन डाउनलोड हुए हैं जिसके? तो वो है आरोग्य सेतु ऐप, आरोग्य सेतु ऐप फास्टेस्ट ऐप बनी है जिसके 50 मिलियन डाउनलोड्स हुए थे, स्टार मार्क कर लीजिए। आपका एक और होमवर्क है, आपने मुझे बताना है कि आरोग्य सेतु ऐप के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जिसका नाम है अफ्रीकन लॉयन, ये कंडक्ट करवाई जानी थी लेकिन कैंसिल हो गई थी कोविड की वजह से। आपका क्वेश्चन ये है कि अफ्रीकन लॉयन एक्सरसाइज कौन सी दो कंट्रीज के बीच में होती है, तो इसका आंसर है यूएसए एंड मोरक्को। आगे देखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर जो है पहली बार बन रहा है, इसके हेडक्वार्टर कहां पर होंगे इंडिया में? गांधीनगर में। तो चलिए, आज के लिए लेते हैं विराम,